तो नाज़रीन, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी बारिश पाकिस्तान के मैचेस के पीछे पीछे है। पाक न्यूजीलैंड वार्म अप मैच में भारतीय महकमे मौसमियात ने बुरी खबर सुना दी। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जीएनएन बिलाल कयानी से। जी बिलाल, क्या बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, एशिया कप में जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान के बहुत से मैच बारिश की वजह से मुतासिर हुए हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड कप का आगाज भी नहीं हुआ तो आज पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच है, तो उसमें भी भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से बुरी खबर सुना दी गई है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बताया कि शाम के औकात में हैदराबाद में बारिश का 90% इम्कान है, जिसके बाद पाक न्यूजीलैंड वार्म अप मैच वॉश आउट होने का खदशा है। इसके नाजरीन को और बताते चलें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच पहले ही मैं सिक्योरिटी खदशात के बेस तमाशाइयों के बगैर खेले जाना है, तो अगर मैच मुतासिर होता है तो पाकिस्तान की तैयारियों को मजीद धचका लगेगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक वहां पर मैच रह जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ शेड्यूल है। लेट्स होप अगर उसमें भी बारिश हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की तैयारियां जो उनकी अधूरी रह जाएंगी। जी बिलाल, ये बताएगा कि बारिश के पेश नज़र क्या इंतजाम हैं, कोई रीशेड्यूल भी किया जा सकता है मैच को? जी नहीं, ये वार्म अप मैच के हवाले से इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं होती कि मैच को रीशेड्यूल किया जा सके। हाँ, अगर ये सेमीफाइनल या वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई कर दी गई है। बिलाल कयानी बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।